और दोस्तों खास चीज़ मेरे को यहाँ पे एक और चीज़ लगी कि यहाँ पे जो स्टाफ बोल नहीं सकते और उनको यहाँ पे नौकरी पे रखा हुआ है, यानी कि आप कहीं और जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यार कहीं और ऐसे लोगों को नौकरी नहीं दी जाती, लेकिन यहाँ पे स्पेशली लोगों को नौकरी पे रखा हुआ है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे लोगों को रोजगार भी यहाँ प्रोवाइड कर रही है। तो चलिए दोस्तों अपना ऑर्डर मंगाते हैं, यहाँ पे बटन प्रेस कर देता हूँ और बटन दोस्तों तब तक दबा के रखना जब तक स्टाफ वहाँ से ना आ जाए। तो चलो देखते हैं, स्टाफ का वेट करते हैं, जैसे ही हमारा सिग्नल उनको मिलेगा स्टाफ आ जाएंगे। तो स्टाफ यहाँ पे आ चुके हैं और तो इनको अब बोलते हैं जो हम यहाँ पे मंगाना चाहते हैं, तो इन्होंने इशारा भी कर दिया है कि आप इस कैटलॉग में से चूज़ करके हमें बता दीजिए आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन काफ़ी सारे हैं, तो हमें मंगाना है तो हम मेन्यू कार्ड मंगाते हैं। तो ये देखिए, तो ठीक है, इन्होंने इशारा कर दिया कि उन्होंने रीड कर लिया है इस पर क्या लिखा हुआ है, तो हमारा मेन्यू कार्ड आता ही होगा, फिर हम आपको बताते हैं कि आगे ऑर्डर कैसे करना है। ठीक है, तो ये स्टाफ जो हमारा लेकर आ चुका है मेन्यू कार्ड, तो अब यहाँ पे ये बताएंगे कि यहाँ पे ऑर्डर कैसे करना है। तो ये मेन्यू कार्ड में काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो ये देखिए इशारा करके यहाँ पे ये समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कोड दिए हुए हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक पेन मुझे दिया है और एक यहाँ पे नोट पैड है, इस पर हमें लिखना है। और इनका जो मेन्यू कार्ड आप देखेंगे तो ठीक है, तो हमने इन्हें इशारा कर दिया कि हमें ये समझ में आ गया है, उसके बाद हम ऑर्डर कर सकते हैं। तो इनका मेन्यू कार्ड आप देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंटेड है, आप क्या ऑर्डर करना चाहते हो, क्या ऑर्डर नहीं करना चाहते, यहाँ पे हर चीज़ का एक कोड दिया हुआ है, यानी कि आपको टाइम जो है वो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बस ये कोड लिखना है और उसकी क्वांटिटी लिखनी है, तो आप आसानी से यहाँ पे ऑर्डर कर पाएंगे। तो पीछे भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, यानी कि काफ़ी बढ़िया से इसको बनाया हुआ है ताकि कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे ऑर्डर करने में। तो देखिए जो ऑर्डर हम यहाँ पे करने वाले हैं वो ऑर्डर यहाँ पे कर लेते हैं, इसमें से दो चीज़ें ऑर्डर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम मोमोज में से देख लेते हैं क्या सबसे बेटर लग रहा है मेरे को यहाँ पे। तो चलिए हम ये M2 पे है, M2 इनका कोड है, हम वो लिख लेते हैं यहाँ पे M2, और जो कोड लिखने के बाद हमें क्वांटिटी लिखनी है कि कितने ऑर्डर चाहिए हमें, मतलब एक प्लेट करना है, दो प्लेट करना है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो इसके अलावा और कुछ और भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या ऑर्डर कर सकते हैं। तो हम बर्गर में कुछ देख लेते हैं यहाँ पे क्या है क्या है क्या है। तो चलिए बर्गर का भी यहाँ पे ऑर्डर कर लेते हैं, B1, तो B1 है वन क्वांटिटी है। तो मैंने अपना ऑर्डर यहाँ पे लिख लिया है क्या मुझे मंगाना है, बस यहाँ पे मुझे एक बटन प्रेस करना है और स्टाफ आएगा और हमारा ऑर्डर लेके चला जाएगा। चलिए बटन दबा देते हैं, और जैसे ही बटन मैंने यहाँ पे दबाया हमारे जो टेबल की जो लाइट है वहाँ पे वो जल जाती है, और देखिए स्टाफ भी हमारे आ चुके हैं। तो ये जो हमने ऑर्डर दिया है वो ये ऑर्डर है हमारा, ठीक है, तो ये ऑर्डर हमने दे दिया है, देखिए ऑर्डर लेकर जाने वाले हैं, तो थैंक यू। हाँ जी, तो अब ये सारी चीज़ें यहाँ से लेके चले जाएंगे, फिर देखते हैं दोस्तों हमारा ऑर्डर आने में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों हमारा ऑर्डर जो है एकदम रेडी हो चुका है, और ये देखिए गर्मा गर्म मोमोज, तो यहाँ पे मोमोज की प्लेट हम रख लेते हैं, और ये बकेट में आ गया जी बर्गर, वाओ। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो फ्रेंच फ्राइज़ भी है इसमें, देखिए बर्गर के अंदर दिखा देते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए बर्गर कितना शानदार तरीके से इन्होंने रेडी करा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं बर्गर के अंदर, वेजेस वगैरह भी हैं, और यहाँ पे तंदूरी मेयोनेज़ इन्होंने दी है, तो ये हम साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ भी हैं इनकी, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं देखने में, काफ़ी क्रिस्पी लग रहे हैं, आवाज़ सुन सकते हो। और उसके बाद दोस्तों यहाँ साइड में आते हैं तो आप देखेंगे तो मोमोज़ हैं इनके दो तरह के, एक में यहाँ पे इन्होंने मेयोनेज़ लगाई हुई है और यहाँ पे स्पाइसी वाले भी हैं, और यहाँ पे स्पाइसी सॉस है। तो आप यहाँ पे दोस्तों खाने के साथ साथ यहाँ सिटिंग एरिया भी देख सकते हो, पूरा का पूरा जो स्पेस है काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, तो यहाँ पे बैठ के खाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है और शांति बहुत ही है। टेस्ट करते हैं, मोमोज से शुरुआत करते हैं, काफ़ी हैवी हैं और फिलिंग काफ़ी बढ़िया से इसमें भरी हुई, गर्मा गर्म भाई, भाप भी निकल रही है और ठंड तो है ही, तो गर्म खाने में ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए सॉस के साथ इसको डिप कर लेते हैं, तो टेस्ट काफ़ी लाजवाब है। आप कहीं और मोमोज खाते होंगे ना, उस मोमोज में जो फिलिंग होती है वो काफ़ी प्रॉपर होती नहीं है, अच्छे से भरा हुआ है, कोई भी कंजूसी नहीं करी है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि मोमोज की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, काफ़ी बड़े बड़े मोमोज हैं, बढ़िया लग रहे हैं। दोस्तों मुझे यहाँ की थीम बहुत ही अच्छी लगी, और भी जगह आप जा सकते हो लेकिन जो यहाँ की थीम है ना, अगर एक नया एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हो तो मेरी तो बस आपसे यही एक सलाह रहेगी कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, और काफ़ी शांति है यहाँ पर। और दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर ट्राई करना चाहते हो यहाँ के फूड को कि यहाँ का फूड कैसा है, तो आपको आना पड़ेगा इकोस कैफ़े GTB नगर में। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।